एवरीवन, आप सबका स्वागत है उबेसाद के मस्ती भरे ब्लॉग में। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ अम्मी के घर ससुराल, क्योंकि मेरा एक दो दिन में प्लान बनने वाला है मम्मी के घर मायके जाने का, छुट्टियां मनाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ अम्मी के यहाँ, क्योंकि मैंने कुछ कपड़े दी थी बनने के लिए अम्मी के घर के नजदीक टेलर को, तो वो टेलर ने वो कपड़े अम्मी को दे दिए, मतलब सासू माँ को। तो अभी वो कपड़े मैं लेने जा रही हूँ और मैं चेक करूंगी। मैंने कपड़ों को ऑल्ट्रेशन कराए हैं, बहुत ओल्ड हो गए थे कुछ कपड़े, तो मैंने उसमें कुछ चेंजेस करवाए हैं। तो देखते जाके कि फाइनली वो चेंजेस अच्छे किए हैं या नहीं। और कुछ फिटिंग्स भी हो गए थे, वो तो वो भी लूज करने दी थी। और अम्मी ने आज भाईजन को भेजे थे घर पे के जाके मिठाई देके और फातिया कर दो, क्योंकि जो ओवे जायद को अरबी पढ़ाने हाफिजी आते हैं तो वो यहाँ आते हैं। तो बच्चे लोग जब अरबी पढ़ी रहते हैं, भाईजान एकदम अचानक आए और अम्मी कॉल करके बोले कि मिठाई भिजवा रही हूँ, जा उस पर फातिया दे दो। तो क्या रीज़न था मुझे कुछ पता नहीं, और अच्छी बात है, फातिया देते रहना चाहिए घर में, तो बरकत बनी रहती है जब जोर से इस तरीके से फातिया पढ़ी जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर पे भी मुझे कोई अलग ही सुकून लगता है। तो यहाँ पे वो मिठाई है, अब मैं फातिया तो करवा चुकी हूँ गाइस, अब मैं इतनी मिठाई का क्या करूँगी, तो जाहिर सी बात है अम्मी की अमानत है। तो अम्मी ये को देके आते हैं। देखो ये है खवे वाली, नहीं खवा नहीं, कोकोनट वाली। तो एक हाफिज जी ले लिए थे और एक मैंने टेस्ट कर ली हूँ, तो इसको फटाफट से पैक करते हैं और जाते हैं अम्मी को, अम्मी की अमानत देते हैं और अपने कपड़े लेते हैं। और अम्मी को बता देती हूँ कि अम्मी मैं छुट्टियाँ मनाने मायके जा रही हूँ, तो कुछ काम या जो भी अम्मी का। और यहाँ बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं, तो ये देखिए ये नाला एक मस्ती खोर, कितना गंदा मुंह बना रहा है। अच्छा मुंह अच्छा नहीं लग रहा। और आयत भी यहीं पे है गाइज, चलो चलते हैं दादी के घर। नहीं नहीं क्यों मालूम है, क्यों नहीं जा रहे हो, मुझे पता है। ये जो ना हाथ में गाइज, बताओ ना बताओ ना, कोई बात नहीं। अरे अभी कौन बोल रहा है, ये नील पेंट लगा लिए जब इसको मैं बोली कि कुछ दिन अरबी नहीं पढ़ाएंगे और हम लोग चले जाएंगे मम्मी क्या, तो इसने फटाक से नील पेंट लगा ली। बोलती अभी तो कल से हाफिज जी नहीं आने वाले ना, तो सोनम ने इसको जो वीडियो कॉल में देखे तो डांटे, और ये डर रही है जाने के लिए क्योंकि सोनम भाईजन लोग को बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं गाइज, मैंने छोड़ दिया है। और मैं अभी नाखून में मेहंदी वगैरह लगा लेती हूँ, तो ये बहुत डर रही है जाने के लिए। पर कभी कभी बच्चे को छोटी छोटी सी खुशी पूरी कर देनी चाहिए, इसको बहुत शौक है। तो चलो फिर चलते हैं, नहीं डांटेंगे मैं बोल दूंगी, चलो 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 नहीं डांटेंगे मैं बोलूंगी, चलो तुम मिठाई तुम पकड़ लो। तो गाइज हम लोग आ गए अम्मी के घर पे और अम्मी की मिठाई कर दी अम्मी के हवाले, अम्मी तुम्हारी मिठाई वहां रख दिया ओवेज ने। तो मिठाई किस खुशी में थी अम्मी, मेरे को दो मिठाई। किस खुशी में थी वो तो बताओ, कुछ नहीं है, ऐसी फातिया दिलवाए। और देखो आया डर डर के, अच्छा और देखो ये वहाँ पे डर के रो रही है, बोलती नील पेंट, पूरा इल्जाम मेरे पे डाल दी इसने। ये क्या बोली मालूम, मम्मा अभी जा रहे ना अपन एक हफ्ते के लिए, तो लगाओ ना अरबी नहीं है, और यहाँ के पूरा इल्जाम मेरे पे डाल दी। और रो रही थी जब से, तो पूरे रास्ते रो रही थी, बुआ जी और भाईजान डांटेंगे। बोलती थिनर लेके चलना, वहाँ पे रिमूवर से मेरे को निकाल देना ईद मिलादुन नबी के टाइम। और ये देखो ये आते ही लड़के ने बेटी को 10 रुपीज देना तो वो नहीं देंगे यार। नेल पॉलिश लगाने की सजा, पनिशमेंट मिल गया आयत को, ये खुश हो रहा है इसको नहीं मिलेगा। तो ये देखो आते ही इसने ना टी शर्ट फाड़ दिया है, अभी पहले इसकी टी शर्ट सिलते हैं। ये कहाँ पे फाड़ा है, किसी में फंस के फटी है। क्या बोल रहा, तो बोल दो नहीं लगाऊंगी, नेक्स्ट टाइम नहीं खरीदेंगे, नहीं लगाऊंगी। वो गिफ्ट में मिला था ना उसको, तो वो एक ही रखी हुई है। तो मिल गया, मिल गया आयत को पैसा मिल गया। अभी स्माइल करो। इतना डर के आई पूरे रास्ते, इतना डर के आई। लाओ मैं दोबारा मत लगा के आना, ठीक है बेटी। बोलो नहीं लगाऊंगा, हां नेक्स्ट टाइम मत लगाना। चलो उसको क्ले में डाक दो अम्मी, लाओ कपड़े दो, देखो तो कैसे सिले। जो बेटी मेरा कपड़ा लेके आओ, उधर है वो दिख रहा है उधर। सो गाइज फाइनली वो कपड़े मैं ले ली हूँ, जो जो मैंने यहाँ पे ऑल्ट्रेशन के लिए दिए थे, और वो है ये कपड़े। तो सब आड़े टेढ़े थे, कुछ ऐसा कुछ वैसा, तो सबको मैं ठीक कर दी। इसमें चेन लगवाना था, इसकी आस्तीन बनवानी थी, कुछ फिटिंग्स थे ये वो, तो सब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हैं। तो अम्मी थैंक यू लेके रखने के लिए, देखते हैं एक के बाद एक क्या बराबर किए कि नहीं किए। तो गाइस सोनम ने कुछ ऑर्डर किए और वो मुझे बता रहे थे, बस मैं जाने ही वाली थी, और बोले फ्लिपकार्ट इतना फास्ट है, जैसे
कल की रात में और आज अभी। हाँ, अभी फास्ट हो गया है, कुछ भी मंगाओ ना जल्दी आ जाता है। ये लाइट क्यों खराब हो गई? खराब हो गई, चालू करो। नहीं आती यार। बिल्कुल नहीं, बहुत कोशिश की है क्या? पहले इसको ऐसा ये थोड़ी तो अब क्या उसकी जान लो गए, दो साल हो गया ना, तीन साल। तो अब देखो फिर, अब ये लगा के दिखाओ, ये तो शादी वाली लाइट लग रही है। शादियों में मिलती है वैसी। अच्छा ऐसे बल्ब मंगाए? हाँ अच्छा अच्छा, ये ऐसे छोटे छोटे बल्ब आते हैं ना, कलर वाले मंगाते तो ऐसा लगता है मिनी शादियों में मिलते, चाली में लगते थे। और लाइट बंद करो, सब लाइट्स बंद करो। तो इतने उजाले में सो जाओगे ना तुम? देखो इतना उजाला है, ये बंद करो डोर, क्योंकि तुम, मुझे पता है तुम नाइट बल्ब का काम लेने वाले हो उससे, है ना? सोच नहीं जाऊंगी, मतलब जब तक अम्मी सो जाते हैं, मैं खाना ना खाने के थोड़ा इतने उजाले सो जाएंगे ना अम्मी इतने उजाले में, क्या मालूम अम्मी पूरी बंद करवा देंगे देखो तुमसे। ये तो अभी मेरा मोबाइल का उजाला आ रहा है। नहीं तो थोड़े देर जब तक मोबाइल वोबाइल लेगी तब तक अम्मी सो रहे, तो थोड़ा हाँ, फिर जब सुबह हो जाएगी तो खिड़की से वैसे ही उजाला आ जाता है। चलो सही है, अच्छी लग रही है, मस्त है, लाइट ऑन कर दो। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे वापस, और बहुत भूख लगी थी तो मैंने फटाफट से रख दिया है चावल बनने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग खाने वाले हैं एग राइस, तो अंडे भी लेके आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे बच्चे जब तक टाइम पास कर रहे हैं अपना चिप्स वगैरह खा के और अपना जो भी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो चलो मैं जाती हूँ फटाफट से चेक करती हूँ मेरा राइस रेडी हुआ या नहीं। और यहाँ पे मैंने राइस रख दिया है, अंडे वगैरह हम लोग मैं जैसे बताई लेके आ गए, और मैं भी अपना थोड़ा टाइम पास करती हूँ सीरियल वगैरह देख के। तो चलो फिर फटाफट से खाना वाना बनाए और बच्चों को खिलाया जाए, और इंशाल्लाह देखते हैं फिर कल का क्या प्लान है, फिर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप हमारे वीडियो को खूब सारा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हिट द बेल आइकन। इंशाल्लाह तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।